Thank you.
तो इसे मिला लिया मैंने। मैं केले के पत्ते का अंदर में डाल रहा हूँ, अच्छी तरह से डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर देना। कोई नहीं, अब बिल्कुल तैयार हो गया, अब मैं इसको जलाऊंगा। अब मैं इसको जला रहा हूँ, इसके अंदर में पूरी तरफ से। इसको मैंने एक चोखा बना रहा हूँ, हमारे गांव में ये फेमस है, रसन और ये नींबू है, टमाटर, खीरा और ये कड़ी पत्ता है, इसके अंदर मिर्ची। अब मैं इसको पूरी तरफ से छील देता हूँ। मेरी यहाँ पे पत्ता थोड़ी सी, अभी इसको कूच रहा हूँ मैं, थोड़ा सा अचार के पानी है इसके अंदर में, अचार के पानी है इसके अंदर में, थोड़ी सी डालने से टेस्ट होगा। अब मैं इसके अंदर से नमक डाल रहा हूँ, नमक थोड़ी सी, इसको बढ़िया से कूस देना है अब, क्योंकि ये गांव वाला है, इसको चोखा बोलते हैं, देसी चोखा। जब ये चिके ये केकड़ा जल जाएगा तब इसको मैं खा सकता हूँ। थोड़ी सी अचार के पानी डाल दूँ, थोड़ी सी नमक की कमी है, हल्की सी नमक डाल दूँ, जितना नमक खाना है आपको उसी हिसाब से डालना है। अब मैं देखता हूँ ये हो गया शायद, और 2 मिनट लगेगा, बिल्कुल तरफ से जल चुका है ये, इसको थोड़ा सा पलट देना है हमको। अब देखिए ये बिल्कुल तरफ से जल चुका है, ये देखिए यहाँ बिल्कुल मसाला है। अब मैं इस चटनी के साथ खाऊंगा, कड़ी पत्ता है, साथ में खीरा भी लाया हूँ। ये देखिए स्नेल बनने के बाद ऐसे ही बन जाता है। अब इस चटनी के साथ मिला के खाओगे ना और थोड़ा सा चटपटी लगेगी। एक एक रहा है।